एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा, तो आज है 28 दिसंबर, मेरा बर्थडे। तो आज रात को एक छोटा सा सेलिब्रेशन होगा। और तो ऋत्विक के पापा के फ्रेंड जो दुबई से आए हैं वो आज आएंगे हमारे घर। और ऋत्विक तो कब से बैठा है उसे मिलने के लिए, तो उसको ना फोन पे बताया था कि आते वक्त टॉयज लेकर आने के लिए, तो आज लेकर आ रहा है। और आज देखिए यहाँ पर होमवर्क कर रहा है, आज सोया भी नहीं है वो। अब बज चुके हैं 4:30, तो वो आएंगे। और एक अमय उसका फ्रेंड है वो आएंगे, बस दोनों ही आएंगे। तो छोटा सा सेलिब्रेशन होगा। तो ऋतु के पापा सुबह जाके फ़िश लेके आए हैं, तो आज किंग फिश करी, फिश फ्राई, उसके साथ राइस, प्रॉन्स बटर गार्लिक। रेहन को ना मेरे हाथ का प्रॉन्स बटर गार्लिक बहुत ही पसंद है, तो वो आज मैं बनाऊंगी। और उसके साथ एक थोड़ा सा क्रेप सुक्का, और साथ में स्वीट है कस्टर्ड, बस इतना। किंग फिश करी मम्मी ने बना के रख दी है, तो अब मैं बनाऊंगी प्रॉन्स बटर गार्लिक और क्रेप सुक्का, और थोड़ा सा मैं सलाद बनाऊंगी। ठीक है, प्रॉन्स बटर गार्लिक और क्रेप सुक्का, ये दोनों रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो चलते हैं किचन में। ये देखिए आज सोया भी नहीं है, तो पढ़ाई कर रहा है और रेहान का वेट कर रहा है वो कब आएगा और ये टॉयज लेकर आएगा। हाय मन ऋत्विक, हाँ बॉय, हाय मन, हाय। तो चलिए बनाते हैं क्रेप सुक्का। तो पैन में डालते हैं 2 बड़े चम्मच तेल। अब इसमें डालते हैं प्याज, यहाँ पे मैंने 1 प्याज को चॉप कर लिया है। अब प्याज को 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं, फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखें। अब इसमें डालते हैं 1/2 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। अब इसमें डालते हैं 1 टमाटर बारीक चॉप किया हुआ, और साथ ही में इसे हम ऐड करते हैं नमक स्वादानुसार, जिसे टमाटर जो है जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छे से इसे मिक्स करें और इसे ढककर टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाते हैं। तो टमाटर यहाँ पे हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें डालते हैं मसाले, तो फ्लेम यहाँ पे लो करें। तो पहले डालते हैं 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला। ओके, अब इसे अच्छे से मिक्स करें। यह अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें हम डालते हैं क्रैब, अच्छे से मिला दे। तो अब इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए पकाते हैं, बीच बीच में इसे आप चलाते रहिए। तो ये देखिए क्रेप सुक्का रेडी है। तो फाइनल इसके ऊपर डालते हैं बारीक चॉप किया हुआ धनिया। बहुत ही सिंपल तरीके से इसे मैंने बनाया है, पर बहुत ही सिंपल है, पर खाने में ना ये बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगा। तो अब हम बैठे हैं चाय पीने। तो ये देखिए ऋत्विक, और ये चाय के साथ आज है चपाती और ये चीज़ बॉल। तो चाय पी के मैं बातें बनाऊंगी प्रॉन्स बटर गार्लिक। अब बनाते हैं प्रॉन्स बटर गार्लिक। तो पैन में डालते हैं 1 बड़ा चम्मच तेल, और अब इसमें डालते हैं बटर। बटर हमें थोड़ा ज़्यादा ही लेना है। ठीक है, तो बटर यहाँ पे देखिए अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब डालते हैं फाइन चॉप किया हुआ लहसुन, और लहसुन को थोड़ा हमें ज़्यादा ही लेना है इस रेसिपी में। ठीक है, अब इसे 1 मिनट के लिए बटर में भून लेते हैं। तो अब इसमें डालते हैं 2 मीडियम साइज प्याज बारीक चॉप किया हुआ, और अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। गार्लिक और प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा इसे भून लेना है। अब इसमें डालते हैं मसाले। तो यहाँ पे डालते हैं 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करें। अब इसमें डालते हैं प्रॉन्स। तो यहाँ पे मैंने प्रॉन्स को बॉईल कर लिया है। बॉईल करते वक्त मैंने इसमें नमक डाल के इसे बॉईल किया है।
अब इसे अच्छे से मिक्स करें और अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए इसे पकाते हैं। तो अब इसमें डालती हूँ मैं थोड़ा सा नमक, कि ऑलरेडी मैंने नमक डाला है प्रॉन्स में और बटर में भी नमक रहता है, तो इस उस हिसाब से मैंने थोड़ा ही नमक ऐड किया है। इसे अच्छे से मिक्स करें और इसे ढककर और 5 मिनट के इसे पकाते हैं। तो अब लास्ट इसमें हम डालते हैं बारीक चॉप किया हुआ धनिया। तो यहाँ पे प्रॉन्स बटर गार्लिक तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा।
तो खाना अब रेडी है। तो यहाँ पे है राइस, क्रेप सुक्का, प्रॉन्स बटर गार्लिक, किंगफिश करी और किंगफिश फ्राई। Thank you. Really amazing food. Thank you. Thank you. Happy birthday once again. Thank you. God bless you. And thank you so much for lovely food. Thank you. Sure. Your turn. I already wished her. चल चलो से बाय बाय टाटा सी यू रायन थैंक यू सी यू बाय बाय थैंक यू सो मच थैंक यू मन थैंक यू मन थैंक यू फॉर कमिंग थैंक यू फॉर कमिंग वेलकम चल बाय कर बाय सी यू बाय गुड नाइट हैव अ गुड नाइट बर्थडे खत्म और ये देखिए बर्तन का ठेला सारे के सारे बर्तन वॉश किए हैं ये देखिए। हे गाइस आज इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। कपड़े कह रहे हैं आइसक्रीम ठंडी अलग है, इसको खाना है आइसक्रीम। अभी 11:30 बज चुके हैं तो मैंने ऐसे ही बोला था कि हम लोग जाएंगे आइसक्रीम खाने, नहीं तो वो खाना नहीं खाता है। चल चलिए गाइस बाय।